हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेल्टा एक्सचेंज। सो आज हम देखेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसने मुझे ऑलमोस्ट 500% रिटर्न दिया एंड इट कैन ऑल्सो शूट अप टू 1000%। मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा स्क्रीन पे, पूरी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा और स्ट्रेटेजी के साथ मैंने जो लाइव ट्रेड लिया है वो भी बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स गो ऑन टू आवर स्क्रीन। तो आप देख सकते हो मैंने ट्रेड जो लिया हुआ है दैट इज इन XRP USD। ओके, प्रॉफिट जो है मैं लास्ट में रिवील करूंगा कि कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो भी है आई विल क्लियर आउट एवरीथिंग। ओके, तो सबसे पहले ये जो सेटअप है, दिस सेटअप मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ ये सेटअप को, बिकॉज ये सेटअप ने मुझे बहुत प्रॉफिट दिया है। ये सेटअप यूज करके यू कैन मेक मनी लाइक एनीथिंग। आप इसको इंडियन मार्केट में यूज करो, क्रिप्टो, फॉरेक्स, वेरेवर। ओके, इसमें आपको टाइम फ्रेम जो सिलेक्ट करना है ये 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। इंडिकेटर आपको ध्यान से सुनना है, सबसे पहले तो RSI इंडिकेटर। ओके, मैं दोनों ही इंडिकेटर बंद कर देता हूँ एंड देन आई विल टीच यू फ्रॉम स्क्रैच। ओके, उसके पहले आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो RSI इंडिकेटर जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पे ऐसा दिखने लग जाता है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो आपको चेंज करनी है। सेटिंग्स में जाओ, सबसे पहले लेंथ 12 कर दो, स्मूथ वाला और लेंथ वाला दोनों, एंड देन यहाँ पे ये जो एनेबल रहेगा इसको डिसेबल करना बिल्कुल मत। ओके, अपर लिमिट जो है आपको 60 सेट करना है। ओके, मिडल लिमिट, लोअर लिमिट आप डिसेबल करोगे चल जाएगा। दिस आई विल कीप इट एज लाइन। ओके, ताकि मुझे क्लियर दिखे। और ये स्पेसिफिकली हाइंस बैकग्राउंड अगर आपको रखना है आप रख सकते हो। यहाँ पे आपको क्लैरिटी दिखेगा कि 60 के ऊपर जा रहा है। लेबल्स एंड ऑल यू कैन कीप एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ओके। अब ये जो स्ट्रेटेजी है दिस इज जस्ट नॉट बेस्ड ऑन RSI, इसके साथ साथ हमें और एक इंडिकेटर चाहिए होगा, दैट इज मूविंग एवरेज। ओके, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज रखूंगा मैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं चाहिए हमें। सिंपल मूविंग एवरेज में आपको बस इनपुट्स में जाके लेंथ जो है वो 61 करना है। ओके, एंड स्मूथ मूविंग एवरेज, यहाँ पे स्मूथनिंग लेंथ भी आप 61 कर दो। स्टाइल आप देख सकते हो, प्लॉट विजिबिलिटी एंड, और जस्ट आपको ओके पे क्लिक करना है। अगर इसको आपको थोड़ा डार्क करना है तो व्हाट यू कैन डू इज इधर जाके इसको थोड़ा डार्क कर सकते हो। जैसे डार्क करोगे एज यू कैन सी बहुत क्लैरिटी में आपको दिखने लग जाएगा कि ब्रेकआउट है या नहीं। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड कैसे लिया है, यहाँ पे BTC, ETH और भी ट्रेड्स जो है वो बताऊंगा, प्लस बैक टेस्टेड रिजल्ट्स भी इसके बताऊंगा आपको। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे जब भी 61 MA जो है स्मूथ मूविंग एवरेज ये क्रॉस हो रहा है और एंड हो रहा है, प्लस साथ ही में एज यू कैन सी यहाँ पे RSI जो है क्लियर क्लैरिटी में दिख रहा है 60 के ऊपर जा चुका है। एक दिन 55 था, 68 पे क्लोज हुआ है। ओके, and then what I will do, I will just take a long position from the close. मेरा stop loss क्या रहेगा? Stop loss very important because तीन चीजें important होती है, entry, target and stop loss. अब stop loss होगा इस candle के नीचे, okay? जैसे आप लोग देख सकते हो almost 10% का stop loss है और target जो रहेगा 1:2, तो मैं 1:2 के हिसाब से 20% के आसपास का target रख रहा हूँ। okay? अब अगर मैं आपको मेरा running profit दिखाऊँ, ओके, यू कैन सी इट हैज जनरेटेड मोर देन 270%। और जब सुबह ये बहुत हाई पे चल रहा था तो दिस वाज ऑलरेडी क्रॉसिंग 500 to 600%। ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे ज्वाइन करना, वहां पे आपको क्लैरिटी में दिखने लग जाएगा। ओके, आपको मैं शेयर करके दिखाता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे ऑलमोस्ट 500% से भी ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट हो रहा था सुबह, एंड दिस ट्रेड आई विल कीप ऑन यू नो ट्रेलिंग कंटिन्यूसली। और इसमें मेरा प्रॉफिट टारगेट जो रहेगा दैट विल बी मोर देन $150। मैंने ये अकाउंट $25 to $30 से स्टार्ट किया था, सब लोग जानते हैं, अब ये $150 है, इट विल क्रॉस $200 आफ्टर दिस ट्रेड इज कम्प्लीटेड। अभी इसी के साथ मैं आपको थोड़ा बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली एक ट्रेड से तो कुछ नहीं होता, तो हम थोड़ा BTC पे जाके चेक करते हैं। तब तक गाइज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने चैनल को नहीं किया होगा। तो एज यू कैन सी देखो एग्जैक्ट अभी इसी लेवल से रेजिस्टेंस आया हुआ है एंड वी आर ओनली गोइंग टू लॉन्ग वायर दिस स्ट्रैटेजी। तो अगर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर कैंडल 15th मई ने 61
एमए को क्रॉस किया था, बट अगर आप आरएसआई देखते हो इट इज 59.35, आरएसआई देख लेना, ओके। नेक्स्ट कैंडल अगेन 56, उसके बाद वाले कैंडल ने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो ये ब्रेकआउट अगर हो रहा है और प्लस इसने इसको टच किया होगा 61 एमए को, तो आप एंट्री ले सकते हो, ओके। तो आपने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ली, इसके नीचे का स्टॉप लॉस जो भी कैंडल रहेगा उसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा, ओके। इसको थोड़ा नीचे, जैसे ही एमए के नीचे क्लोज करेगा आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, बट एज यू कैन सी 3 दिन के अंदर आपका 1:2 और 4600 पॉइंट का टारगेट आपको मिला है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे आएगा, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होके जब ब्रेकआउट आएगा, तो आपको दो चीजें फिर से ध्यान रखनी है। पहले तो एमए 61 के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, एंड सेकेंडली यहाँ पे जो 60 का आरएसआई इसके ऊपर होना चाहिए आरएसआई का इंडेक्स, इससे आपको मोमेंटम भी सामने से दिखेगा। और यहाँ पे आप ध्यान रखना डिफॉल्ट जो लेंथ होती है 14 होती है, इसको मैंने 12 कर दिया, ओके। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी विच आई एम फॉलोइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आप जाके कोई भी मार्केट पे देखते हो, ये स्विंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे रिटर्न देती है और बहुत फास्ट मोमेंटम में रिटर्न देती है। जैसे आप लोग देख रहे हो अभी XRP का ट्रेड, मैं कंटिन्यूसली टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा डे ऑन डे। एक इमोशनल क्वेश्चन जो होता है ट्रेडर में, वो कैसे आपको मैनेज करना है, सब कुछ आप सीखोगे वाया दिस पर्टिकुलर सेटअप, ओके गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शो सम लव फॉर आवर चैनल डेटा एक्सचेंज। थैंक यू।